स्वागत है आप सभी का कौटिल्या बलरामपुर के YouTube चैनल पर। आज हम आगामी विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है जो हमने लिया है, उसमें से यह है कि इनमें से महापाषाण किसे कहा जाता है। महापाषाण दरअसल संगम काल में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको दफनाने के बाद उसकी कब्र को या उसकी समाधि को बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था, तो उसको महापाषाण की संज्ञा दी गई है। अतः दिए गए जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से हमारा ऑप्शन बी सही चला जाएगा। ठीक, जो अगला प्रश्न है, किस काल में कृषि का उत्पादन शुरू हुआ। कृषि का उत्पादन नवपाषाण काल में शुरू हुआ। इससे पहले का जो समाज था, शिकारी समाज था, वह खाद्य संग्राहक समाज था। कृषि उत्पादन के साथ नवपाषाण काल में जो मानव सभ्यता थी वो एक उत्पादक सभ्यता में परिवर्तित हुई। तो कृषि उत्पादन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो पहला साक्ष्य हमको मेहरगढ़ से मिला है। ठीक, अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं। ठीक, इनमें से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। आपके विकल्प में कोट दीजिए, चनहुदड़ो, देसलपुर और सोगौरा। तो इनमें से सोहगौरा हड़प्पा स्थल ना होकर के ये मौर्य काल का स्थल है, क्योंकि सोहगौरा में महास्थान नामक स्थान महानाम स्थान नामक स्थान से चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल कोटदीजी, चंदुड़ और देसलपुर है, जबकि सोहगौरा नहीं है। अगला प्रश्न, मेलुहा नाम से किसे जाना जाता था। तो मेलुहा शब्द का प्रयोग भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें मेसोपोटामिया, ठीक, मेसोपोटामिया के शासक सम्राट सारगोन के अभिलेख से प्राप्त जो साक्षी है उससे पता चलता है कि दिलमन, माकन और मेलुहा, यानी दिलमन, माकन और मेलुहा के व्यापारी उनके यहाँ जहाज लाते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता मिस्र की सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य वहां तक फैला हुआ था। तो इसमें से दिलमन, माकन और मेलुहा में से जो मेलुहा शब्द है वो सिंधु सभ्यता को इंगित करता है या सिंधु सभ्यता को संदर्भित करता है। ठीक, अगला प्रश्न कि किस ग्रंथ में गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ मिलता है। तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है, जो भगवान सावित्री या भगवान सवित के का श्लोक है, तो उनकी प्रार्थना का वर्णन मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न, पुराणों में से किस वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है। ठीक, तो पुराणों में से इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है। इक्ष्वाकु वंश वही वंश है जिससे संबंधित भारतीय मिथक परंपरा या माइथोलॉजी परंपरा, जिनको भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, भगवान श्री राम इसी वंश से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न, वो कौन सा राजकुमार था जो अपना पिता की मृत्यु का उत्तरदायी था। तो अजात शत्रु था, जिसने अपने पिता बिंबसार की हत्या करके मगध की शासन सत्ता को अपने हाथ में लिया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है। तो महाजनपद इनमें से पुहार नहीं है, क्योंकि जैन धर्म का जो जैन साहित्य है, भगवती सूत्र, इन सब से मिलाकर के कुछ कुल 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, जिसमें से पांचाल, गांधार और मगध। मगध सबसे बड़ा महाजनपद था। ठीक, अगला प्रश्न कि भारत में सिकंदर की सफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि भारत में अगर सिकंदर आया तो यहाँ पे अन्य राजाओं से वो जीता या यहाँ पे सफल हुआ, तो उसकी सफलता के क्या कारण थे। जो पहला स्टेटमेंट है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती। ठीक, तो ध्यान देने वाली बात है, केंद्रीय सत्ता अगर किसी समाज में पाई जाती है या किसी जगह पर देश में पाई जाती है, तो वह केंद्रीय सत्ता कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रशिक्षित सैन्य बल के साथ एक बेहतर आर्थिक स्थिति में होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो किसी अन्य सत्ता से टकराव की स्थिति में होती है। सिकंदर की आक्रमण के समय भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था, और केंद्रीय सत्ता का ना होना कहीं ना कहीं अन्य सारे कारणों को
जन्म दिया, जिसकी वजह से सिकंदर सफल हुआ, क्योंकि भारत उस समय अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, उसके पास प्रशिक्षित सैन्य बल बात था, ये बात भी सही है कि उसके पास बेहद योग्य कमांडर थे, प्रशिक्षित सैन्य बल था, जिसकी वजह से वह सफल हुआ। और भारत वहीं पर केंद्रीय सत्ता ना होने के कारण भारतीय समाज में इन चीजों का अभाव देखा गया। तो हमारे साथ कौन से विकल्प हैं? दोनों विकल्प सही है। अगला प्रश्न जो है कि बैसाख बौद्ध धर्म में किससे संबंधित है। तो बैसाख बौद्ध धर्म में बुद्ध की जयंती से संबंधित है, क्योंकि बैसाख की बुद्ध पूर्णिमा, ठीक, बुद्ध पूर्णिमा बेहद महत्व रखती है बुद्ध धर्म को लेकर के, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन या बैसाख की पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और पूर्णिमा के दिन ही वो महापरिनिर्वाण यानी उनको उन्होंने देह त्याग भी किया था। तो बैसाख बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? बुद्ध की जयंती से। अगला प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश देने के कारण भी श्रावस्ती को बुद्ध धर्म से संबंधित जो अष्ट महास्थान है उसमें शामिल नहीं किया जाता। तो एक चीज ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अष्ट महास्थान में श्रावस्ती को शामिल नहीं किया गया। उसके अलावा लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, ठीक, कौशल, संकिसा, इन सब को शामिल किया गया, जबकि श्रावस्ती को शामिल नहीं किया। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार वाले कथन में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि क्या विचार करना, उसको पहले अंडरलाइन कर लेना कि कौन सा कथन सही। पहला कथन है, बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। एकदम सही बात है, बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया था। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट, दीप वंश तथा महावंश की रचना श्रीलंका में हुई। दीप वंश दरअसल श्रीलंका के इतिहास का वर्णन है। वही महावंश में मगध साम्राज्य के जो भी राजा हुए या शासक हुए थे उनका काल क्रमानुसार या एक फेहरिस्त वाइज उनका वर्णन मिलता है, और दोनों की रचना श्रीलंका में हुई थी, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा विकल्प कौन सा जाएगा? सी सही जाएगा, कि दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, यानी किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक ने तीन तरह से अभिलेख बनाए थे, एक बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, ठीक, और गुफा शिलालेख। बृहद शिलालेख जो थे, जो 14 एक ही पत्थर पर 14 राज्य देश की या 14 घोषणाएं की जाती थी, तो उस बृहद शिलालेख में उसके राज्यादेशों का वर्णन मिलता है। वही लघु शिलालेख अशोक की व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताते हैं। तो प्रथम लघु शिलालेख, ठीक, में अशोक का नाम अशोक मिलता है, और ऐसे शिलालेख जहां पे अशोक का नाम अशोक मिलता है उसमें से मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उडगोलम, ये चार जगहों पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि इनमें से अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम ऐतिहासिक मौर्य सम्राट बृहद्रथ को माना जाता है। अगला प्रश्न, किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। दरअसल सुदर्शन झील का निर्माण, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के जो गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। लेकिन जीर्णोद्धार की बात की जाए तो विभिन्न कालखंडों में कई सारे शासकों ने करवाया था, उनमें सबसे पहला जीर्णोद्धार सुदर्शन झील का रुद्रदामन प्रथम के द्वारा करवाया गया। ठीक, अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए। तो भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले जारी करने का श्रेय हिंद यवनों या हिंद यूनानियों को जाता है, और उन्हें सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक, तथ्यात्मक सवाल है, इसमें कुछ ज्यादा समझाना होता नहीं। अगला सब प्रश्न, इनमें से किसे विष्टि कहा जाता है। विष्टि वैदिक सभ्यता के साथ जब लोगों से बिना पेमेंट किए हुए या लोगों को बिना भुगतान किए हुए उनसे कार्य करवाया जाता था तो उसको विष्टि कहा गया, यानी आज के समय पे बेगार को उस समय का विष्टि कहा जाता है। ठीक, जो अगला प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। बंद अर्थव्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था का उसका शेष विश्व के साथ कैसा संबंध है, यानी उसके वैश्विक संबंध को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है।
एक है खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी है बंद अर्थव्यवस्था। अगर कोई अर्थव्यवस्था अन्य देशों के साथ व्यापार वाणिज्य को लेकर के अपनी सीमाओं को खोलती है तो उसे खुली अर्थव्यवस्था, वहीं दूसरा कोई भी देश अपनी सीमाओं को नहीं खोलता है या फिर वो दूसरों के साथ व्यापार वाणिज्य के लिए स्वतंत्र नहीं करता है अपने देश को, तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो व्यापार वाणिज्य दो ही तरीके से होता है, या तो आप आयात करेंगे या तो आप निर्यात करेंगे। तो बंद अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था जहाँ पे दूसरे देश के साथ ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। अगला प्रश्न, मुद्रा बाजार के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार की। पहला स्टेटमेंट है कि मुद्रा बाजार अल्पावधिक निधियों की लेनदारी और देनदारी का बाजार। मुद्रा बाजार दरअसल एक वर्ष से कम समय के लिए लेनदारी और देनदारी का बाजार होता है जो कि अल्पावधिक है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट, राजकोष बिल मुद्रा बाजार का एक साधन है। तो राजकोषीय बिल के अलावा कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सारी चीजें मुद्रा बाजार के एक उपकरण के तौर पर काम करती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा है? सी सही चला जाएगा। अगला प्रश्न, एन इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इसको सामान्य भाषा में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी, तो द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक एडम स्मिथ के द्वारा लिखी। अगला प्रश्न कि लारेंज वक्र द्वारा किसे मापा जाता है, तो लारेंज वक्र के द्वारा आय की विषमता को मापा जाता है। अगर किसी भी देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था में उस अर्थव्यवस्था की आय का प्रतिशत और उस अर्थव्यवस्था में उन लोगों का प्रतिशत, यानी अगर किसी अर्थव्यवस्था का 10% वहां के 10% लोगों के पास है, तो वो अर्थव्यवस्था पूर्णतः समानता के साथ कार्य करेगी। समान अर्थव्यवस्था, एक पूरा उस अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता की स्थिति होगी, तो उस समय पर हमको एक 45 डिग्री पर एक निरपेक्ष समता रेखा प्राप्त होती है। वहीं इसका विपरीत हर जगह पे पाया जाता है कि किसी भी देश का अर्थव्यवस्था में उसका आय का अधिकांश प्रतिशत बहुत ही कम लोगों के पास होता है, तो लारेंज वक्र कुछ इस हिसाब से बन जाता है। ठीक, तो ये लारेंज कर्व। दूसरी चीज इसी लारेंज वक्र से संबंधित है, वो है गिनी गुणांक। तो गिनी गुणांक और लारेंज वक्र दोनों आय की विषमता को मापने के साधन। ठीक, अगला प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक, समावेशी समृद्धि एक ऐसी समृद्धि होती है जिस व्यवस्था में उस समाज के सारे लोग ग्रो कर रहे हो या समृद्धि कर रहे हैं। तो उस वृद्धि के लिए सबसे पहले कृषि का पुनरुद्धार आवश्यक है, क्योंकि भारत जैसी अर्थव्यवस्था में देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों से संबद्ध है, यानी एक ऐसा रोजगार प्रदाता क्षेत्रक है जो बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है, तो कृषि का पुनरुद्धार तो अति आवश्यक हो जाएगा। दूसरा, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर आपके यहाँ पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आपका बहुत सारा चीज या बहुत सारा वक्त और लागत ट्रांसपोर्टेशन के समय पे खत्म हो जाएगी और उससे साथ से डैमेजेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस वजह से समावेशी समृद्धि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी आवश्यक। अगला प्रश्न, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो सामाजिक सेवाएं हैं जिसको हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, अगर वो अधिकाधिक रूप में नहीं उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं पर हम बेहतर मानव संसाधन को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण लोग अपनी ऑप्टिमम क्षमता या मैक्सिमम क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे और वो समावेशी समृद्धि या उस देश की समृद्धि के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो यानी किसी भी देश में एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये तीनों चीजें आवश्यक होती हैं उसकी समावेशी समृद्धि के लिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही चला जाएगा? डी सही चला जाएगा कि उपयुक्त तीनों चीजें आवश्यक हैं उस देश की समावेशी समृद्धि के। ठीक, अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। आर्थिक विकास का अर्थ केवल और केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि या राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती है,
आर्थिक विकास का अर्थ दरअसल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को भी संदर्भित करता है कि उस अर्थव्यवस्था में कितना भी सोशल चेंज या कल्चरल चेंज आ रहे हैं डेवलपमेंट के साथ साथ। ठीक, अगला प्रश्न जो है कि भारत में हदबंदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए और विचार ये करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन है कि बागानी कृषि को हदबंदी के दायरे से बाहर रखा गया है, तो ये कथन एकदम सही है कि जो बागानी कृषि है उसको हदबंदी के दायरे से बाहर रखा गया है। अगर आप बाग लगाए हैं, आपका अपना खुद का बाग है, तो जब वो हदबंदी की जाएगी, यानी अगर आपकी जमीन का किसी दूसरे को भी सीमित किया, हदबंदी दरअसल क्या होती है कि मेड़बंदी एक हिसाब से, कि आपके जमीन जायदाद को एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि ये यहाँ तक का है, तो उस समय पे बागानी कृषि को बाहर रखा गया। दूसरा, धार्मिक चैरिटेबल संस्थाओं को हदबंदी के बाहर रखा गया नहीं, धार्मिक चैरिटेबल संस्थाओं को हदबंदी के बाहर नहीं रखा गया, उसको उसके अंतर्गत ही रखा गया, तो हमारा विकल्प कौन सा चला जाएगा, ए सही चला। ठीक, अगला प्रश्न, गन्ने का उचित एवं लाभप्रद कीमत कौन अनुमोदित करता है, यानी गन्ने को का FRP फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस। भारत में अनाजों पे या जो भी नगदी फसलों पर दो तरह की कीमतें तय की जाती हैं, एक MSP जो कि खाद्यान्न दलहन और तिलहनों पर दी जाती है, जितने भी जीन्सेज हैं उसको आप ध्यान में रखना कि किस किस पर MSP दी जाती है। वहीं गन्ने की फसल एक ऐसी फसल है जिस पे FRP को देने का प्रावधान है, और FRP का निर्धारण कृषि और लागत की कृषि लागत और कीमत आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो सिफारिश कौन करता है इसकी, कृषि लागत और कीमत आयोग, और उसको अनुमोदित या लागू कौन करता है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ठीक, अगला प्रश्न, MS स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है, तो एकदम तथ्यात्मक सवाल है, तो MS स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान चेन्नई में स्थित। ठीक, अगला प्रश्न, 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था, तो 1944 में देश के निचले तबके या वह लोग जो बहुत ही हाशिए पर हैं, उनको आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के साथ साथ ग्रामीण विकास को फोकस करके इस योजना को लागू किया गया था या इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। ठीक, अगला सवाल, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो नीचे दिए गए कथनों में जो पहला कथन है कि लोहा और इस्पात भार ह्रास उद्योग है, ये कथन एकदम सही है कि लोहा और इस्पात उद्योग को उसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही ज्यादा वर्क फोर्स लगता है, तो एक भार ह्रास उद्योग है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट एकदम गलत है कि सूती वस्त्र उद्योग भार ह्रास उद्योग ना होकर के एक सामान्य उद्योग। ठीक, तो इसमें हमारा कौन सा सही चला जाएगा, ए विकल्प सही चला जाएगा। ठीक, अगला जो प्रश्न है जो ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित है, ठीक, उसमें से पहला कि बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है, सभी लोग जानते होंगे कि बैरन आइलैंड भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत बैरन आइलैंड पर पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में इनमें से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो भारत में सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं, जिसका निर्माण कार्बोनिफेरस परमियन युग में हुआ था, और वहीं गोंडवाना क्रम की चट्टाने बिटुमिनस कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बिटुमिनस कोयला के लिए। अगला प्रश्न, किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, तो मोलेसिस बेसिन मिजोरम राज्य को कहा जाता है, उसके साथ साथ लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन भी कहा जाता है, यानी सीरे का दर्रा या सीरे का दर्रा जो भी कह लो आप, उसको मोलेसिस बेसिन मिजोरम राज्य को कहा। अगला प्रश्न, भारत में नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो भारत में टर्सरी युग में निर्मित हिमाद्र श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है, जो एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक,
अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा अमरावती, अर्कावती, इंद्रावती, ये सारी नदियां कावेरी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न कि इन नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल भारत में है, और ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। तो कौन सी नदी है? ब्यास नदी का उद्गम स्थल भारत में। अगला प्रश्न कि मानसून काल में इनमें से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो मानसून काल में चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तो जब साउथ वेस्ट मानसून आने के साथ वो तो केरल के तट से टकराता है, और वहां से वो दो भागों में बढ़ता है, यानी एक भाग चला जाता है अरब सागर की शाखा, और सबसे पहले यहाँ मुड़कर पर्वतीय वर्षा करता है, फिर नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र में वर्षा करता है, फिर आगे चल के गुजरात होते हुए अरावली पर्वत के समानांतर वहां पे कना वर्षा करते हुए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तरफ चला जाता है। वहीं साउथ वेस्ट मानसून की दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा होते हुए, यानी बंगाल खाड़ी होते हुए सबसे पहले जाकर सेंटॉक्सियल बैंड से टकराती है। यानी सेंटॉक्सियल बैंड कहाँ पे? जो गारो खासी जयंतिया जो पर्वत है एक फनल शेप को बनाए हुए हैं, तो वहां से टकराने के साथ साथ इधर उत्तर पूर्व भारत की ओर वर्षा करते हुए सॉरी दिल्ली की तरफ जाती है। तो उस समय पे तमिलनाडु एक बंगाल खाड़ी शाखा के समानांतर होने के कारण वहां पे मानसून के समय सबसे कम वर्षा होती। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा स्वतः जुताई के गुण पाए जाते हैं, यानी कौन सी मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी है? तो काली मिट्टी स्वतः इन सूटू सीटू सॉइल का, इन सीटू सॉइल कह रहे हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, इसमें गुण पाया जाता है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से बनती है, पहला चीज। अगर काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, तो बसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। और काली मिट्टी को काली कपासी मृदा भी कहते हैं, यानी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। और वहीं इसमें टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक पाया जाता है, जिसके वजह से इनका रंग काला होता है। तो क्यों काला होता है? टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग काला होता है। अगला एकदम तथ्यात्मक सवाल है, इसको आप भारतीय वन रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वहां से मिल जाएगा कि किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सागौन का वन पाया जाता है। अगला प्रश्न, जो शायद आप सभी लोग जानते हो कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं खरीफ की फसल ना हो करके रबी की फसल है, यानी रबी क्रॉपिंग पैटर्न में रबी के उसमें आती है, इस वजह से हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी सही चला गया। ठीक, फिर से यही प्रश्न रिपीटेड है कि कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, तो कौन सी फसल नहीं है? गेहूं। अगला प्रश्न है कि किस खोज से बंदर परियोजना संबंधित है? तो बंदर परियोजना हीरा के खोज से संबंधित है, कुछ नहीं, सीधे सीधे तथ्यात्मक सवाल है। अगला प्रश्न कि ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र खंभात की खाड़ी है, जहां पर 10 से 15 मीटर ऊंची लहरें हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं, और वहीं 6 से 7 नॉट्स की गति से इन लहरों का आवागमन होता रहता है, जिसके कारण एक संकरा क्षेत्र होने के कारण यहां पे विद्युत ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन किया जाता है या उत्पादित की जा सकती है। ठीक, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा केंद्र लोहा और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो रेणुकूट लोहा और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है, बाकी सारे लोहा और इस्पात उद्योग के लिए परिचित हैं या जाने जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, इनमें से स्थल रुद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो हल्दिया बंदरगाह स्थल रुद्ध बंदरगाह है, और हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी के मुहाने पर कोलकाता के एक सहायक प्रमुख बंदरगाह के रूप में इसको विकसित किया गया। ठीक, अगला प्रश्न,
कि किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो बिहार राज्य में वहां की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। एकदम तथ्यात्मक सवाल है, इसको जनसंख्या वाले चैप्टर से आप आराम से कर सकते हैं सारे सवाल ऐसे। अगला प्रश्न, इसमें से भारत की घुमंतू चरवाहा जनजाति नहीं है, जो घूम रही है टहल रही है, जिसको आप वैसी ट्राइबल कम्युनिटी जो एक जगह पे स्थिर ना हो करके, यानी वो खेती के कार्य कारोबार में लिप्त नहीं होते हैं, उसके अलावा घुमंतू चरवाहा जनजाति, तो बुद्धू जनजाति या बद्दू जनजाति घुमंतू चरवाहा जनजाति नहीं। सीधे सीधे तथ्यात्मक सवाल है, इसको आप लोग भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा घोस्ट टाउन यानी ध्वस्त नगर नहीं है? तो चरखारी घोस्ट टाउन या ध्वस्त नगर ना होकर के एक डेवलप्ड नगर। ठीक, अगला प्रश्न, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। ये इस पेपर का यानी ज्योग्राफी के हिस्से का यानी इस सेक्शन का पहला ही प्रश्न हमने करवाया था कि बैरन आइलैंड जहाँ पे भारत का एकमात्र ज्वालामुखी पर सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, ठीक, तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, यानी मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन आइलैंड है, वहां पर भारत का यानी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। ठीक, तो ये अंतिम सवाल था। ठीक, इसी तरह से आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, आपको अच्छा लगा तो तारीफ करिए, नहीं अच्छा लगा तो जहां भी गलतियां हुई हैं उनको बताइए। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से, फिर 50 से 60 प्रश्नों को उत्तर के और उसके डिस्कशंस को लेकर के, यानी उन पर परिचर्चा करने के लिए हम हाजिर। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।